जोर से गाना लिरिक्स नहीं आते मेरे को। गाइस मेरे ममान प्यार में है बहुत ज्यादा, मेरे ममान को मेरे से बहुत ज्यादा प्यार हो गया गाइस। हाँ वो सच है, बट अभी मैं लकी वाले सलमान के बारे में नहीं, नहीं, तुमको मेरे से प्यार हो गया, झूठ मत बोलो, छुपाने की जरूरत नहीं है, कवर अप करने की जरूरत नहीं है। कितने टाइम बाद मैं रात को व्लॉग चालू कर रहा था, तुमको पता है क्यों कर रहे? लास्ट टाइम कब किया था तुमको पता है मैंने? जब लॉक हमको कोविड हुआ था। ओ हाँ। पिछले वाले घर में। बट गाइस आज मेरे लिए व्लॉग करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन। आज अभी कुछ घंटों में मेरे फ्रेंड का, माय पार्टनर, ओनली पार्टनर, मेरे 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 हर सुख दुख में साथ देने वाला, मेरे लिए दारू का ग्लास बनाने वाला, मेरा क्वांटिटी बढ़ाने वाला, कैपेसिटी, मेरा कैपेसिटी बढ़ाने वाला, मेरा जिम पार्टनर जगह पर मेरे को हर चीज से बचाने वाला, मेरे बेस्टी का बर्थडे है आज। बेस्टी का बर्थडे है आज, अंकल का बर्थडे है यार। तो मतलब रिया ने अभी जस्ट व्लॉग किया, हम लोग एक इवेंट से घर जाए, उससे पूछा कि तुम्हारे डैडी का बर्थडे है, क्या मैं व्लॉग कर सकता हूँ? तुम नहीं कर रहे, तो तुमने तो सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, इधर सीधा लेफ्ट है ना, लेफ्ट। तो वही है गाइश, अभी मैं व्लॉग करूंगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है यार मेरे लिए ये सारे मेमोरीज रिकॉर्ड करके रखना। बहुत मैं ऐसा सोचता हूँ कि बहुत लकी होते हैं वो लोग जो लोग अपने जो लोग चीजें कैप्चर कर सकते, मेमोरीज को कैप्चर करके लाइफ लॉन्ग रख सकते। तुमको क्या लगता है? हाँ मतलब अगर तुम क्रिएटर्स का बात कर रहे हैं जैसे, हाँ तो मतलब बहुत बात होता है नहीं कि हम लोग जो भी इंटरनेट पे जा रहे हैं, मतलब जब तक इंटरनेट है तब तक ये चीज रहेगा। ओ माय गॉड, बट इसके रिपरकशंस भी है तो सही। तुम क्यों बोल रहे ऐसा? तुम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा, आई एम ट्रिगर्ड करके एक पॉडकास्ट देखा, उसके बारे में थोड़ा सा टाइम बाद बात करते हैं अंकल के इसके बाद। बहुत चॉकिंग है कि हम लोग आज ही LGBTQ के ही एक इवेंट से हम लोग वापस घर जा रहे हैं। टिंडर का एक इवेंट था, वहाँ से रिया को इनवाइट आया था पर गया, और इतना 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 ब्यूटीफुल इवेंट था। रिया ने अपने व्लॉग में कवर किया हुआ है, तुम लोग उसके चैनल पे जाके देख सकते हो, है कि नहीं? बट उसी के साथ ये सारा सब कुछ अपने को छोड़ना चाहिए। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे? बढ़िया, मेरी आंखों को देखो, बहुत सही। मेरे को पता, तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, है कि नहीं? कहानी की है नहीं तो उसके साथ हम ये नहीं कर सकते, बट हम उसको मिलेंगे घर जाके। फिलहाल हम जा रहे हैं चिलीज, तुम्हारा भाई तुमको आउटफिट बताएगा। वैसे तुमने रिया के ब्लॉग में देख लिया, खुशी होगी अगर तुम लोग ने रिया के ब्लॉग में देख लिया, और मेरे ब्लॉग में तुम लोग ये कमेंट करो, चलना भाई देख लिया कुछ नया पता। जो भी तुमने बोला तो वही है। आउटफिट फिर भी मैं तुम लोग को बताऊंगा, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। कल चला गया ना तुम्हारा ब्लॉग? नहीं देखा तो अपनी पगली के एकदम शकर पकर है एकदम। चलो गाइस अभी चिलीज में मिलते हैं। चिलीज में मैंने तुम लोगों को इसके व्लॉग में बोला था कि ये नहीं बताएगी, बट ये तुमको वैसा वाला फ्रेंड मान दिया कि यार चलना ये इसको घर भेज देते हैं, किसी तरीके से घर भेज, अपन दोनों खाने जाते हैं वैसा वाला। बट मैं तुमको लेके जाऊंगा, तुम टेंशन नहीं करो। ऐसा नहीं है, तुम टेंशन नहीं करो। मैं फ्रेंडशिप्स में स्पेस देना बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूं, तो मैं ये वाला भाई क्रैकल वाला है वो। कौन सा गटगटू बताओ? तुम बताओ। हाँ तो फिर पाइनएप्पल ले लो। अंकल को तुम लेडीज है ना? Which flavor is this? Chocolate crackle. भाई मुमान तो बड़ा VIP है यहाँ पे, है स्पेशल ट्रीटमेंट। मैं हमेशा यहीं से लेमन टार्ट लेके जाती हूँ ना उमा के लिए। हाँ हाँ
उसके लिए पहचान गए तो रोकना 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 रे यार, रोकना बाबा, फोड़ना रे। 11:56 हुआ है क्या? ये एग्जैक्ट 2 मिनट से मोमन स्ट्रगल कर रहा है, अन्योइंग, और तुम हेल्प नहीं कर रहे। देखो मेरा भी हाथ भरा हुआ है, हेल्प नहीं कर रहे। 57 हो गया है, 56 हुआ है, 57 हुआ है। प्यार करता चीज में खाके वाके केक वेक लेके, मैं केक का ये बोल रहा था, केक वाले ने ममान को बोला, मैम हम तो रुक जाएंगे, आप टेंशन मत लो, ये मत लो, हम आपके लिए रुकेंगे बुकेंगे कर रहा था। मैं बोला वाह भाई, तो खाना नहीं है, प्यार है, खाना ला के देंगे, प्यार है, पीठ कुछ हो जाएगा। आई नो भाई, लोग तुम लोग मेरे को बोलोगे ऑल ऑफ अ सडन ऐसा, तू पार्टी वार्टी से जिम जा रहा है क्या पागल, आर यू क्रेजी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तू भाई बता तो सही कुछ क्या हो रहा है। क्या हुआ कि कल रात को हम लोग ने केक कटा, हम लोग ने केक खाया, फिर रिया 2 बजे तक एडिट कर रही थी। मेरा प्लान्स था कि आज मैं एक रिएक्शन वीडियो शूट करके शाम तक डालूंगा अराउंड 3-4 बजे तक, बट फिर मैंने आज रिया का व्लॉग देखा और मेरे को वो इतना होलसम लगा, मुझे लगा कि वहां से अटेंशन नहीं। तो अगर तुम लोग ने रिया का व्लॉग नहीं देखा तो तुम लोग को जाके देखना चाहिए। तो मैं सो गया, सुबह को उठा, फिर मैं यहाँ पर आया अपने घर पर, क्योंकि हमारे घर पे मेड आने वाली है 12:30 तक, पानी भी भरना होता है जो कि हमने नहीं भरा, बट हम लोग आए, फिर मैं सो गया और मेरे को इतना बुरा सपना आया। सिंस हम लोग कानिकी को अंकल आंटी के घर पे छोड़ के आए, तो मेरे को ऐसा सपने में आया कि कानिकी एकदम बीमार है, हम लोग से नहीं देखा है उसने हमको, ऐसा 1-2 घंटा तो सैड हो गया, बीमार पड़ा हुआ है, और मैं और रिया अंकल आंटी के घर पे जा रहे, और वहां पर जाते जाते हम लोग को क्रीचर्स ने फॉलो कर लिया, एकदम मतलब वियर्ड से कोई क्रीचर्स है जो हम लोग को जाने नहीं देना चाहते, और हम लोग एकदम एज पे कोई तो भी माउंटेन के, वहां से नीचे गए तो सीधा हेल है, वैसा कुछ तो भी। चल यार मैं फट से जिम जाके आता हूँ, क्योंकि आज अंकल का बर्थडे है जैसे तुम लोग ने देखा, तो थोड़ा सा ऐसा अंकल खिलाएंगे, तो मेरे को ऐसा नहीं करने है यार, मैं नहीं खाऊंगा अंकल, मेरा डाइट है, अंकल के पास एक ही दिन है आज का, किसी के पास भी बर्थडे एक ही दिन आता है साल में, तुम लोग मतलब कैसे ना कैसे करके खा ही लेते, तो मेरा भी वही है कि मैं आज थोड़ा सा वर्कआउट करके आऊंगा। वैसे भी मेरे को अपने वर्कआउट, मेरा वैसे तो आज रेस्ट डे था, वीक में 2 रेस्ट डे होते हैं सैटरडे संडे, बट मैंने ट्यूसडे को या मंडे को रेस्ट ले लिया था, तो आज जाके मैं अपना डेडलिफ्ट ट्रेन करूंगा, क्योंकि मैंने 2-3 हफ्ते पहले डिसाइड किया था मैंने कि मैं डेडलिफ्ट करूंगा, बट फिर कुछ ना कुछ इश्यू के वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं जाके करूंगा, भले ही जाके नहीं करूँ उधर, भरा हुआ मिले तो खाली कार्डियो करके आऊंगा, बट डेडलिफ्ट के इंटेंशन से मैं जाऊंगा। वही एक बेस्ट चीज है कि मेरे को कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए एक बार मेरे को जाके करना पड़ता, गर्म हवा है इसके लिए गई इतना एक्टिंग किया। चलो मैं आया, भाई लोग जिम जाके मैं आ गया, और मेरे को पता था, क्या मेरे को पता चल गया, जब भी मेरे को नाइटमेयर्स आते हैं तभी मेरा गर्दन वीक हो जाता है, क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल सोता हूँ। हाँ? आज मैं जिम में डेडलिफ्ट करने के बाद श्रग कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा स्प्रेन आ गया, बट फिर मैं भागा, वार्म अप किया, ओह शिट हम मूव लेके आना भूल गए, चलेगा जेप्टो कर लेंगे। तुम लोगों को अगर याद होगा तो व्लॉग के स्टार्ट में मैंने बोला था कि हम लोग एक चीज पे, एक टॉपिक पे बात करेंगे। बिफोर आई मूव अहेड, एक रील एक्सप्लोर पे आया था, मैं वो तुम्हारे साथ देखना चाहूंगा। अरे आई एम ट्रिगर्ड बिकॉज यू डिडंट कॉल मी फ्रॉम दैट बेंच, तेरे बाजू में जो है ना उसको खाने के पैसे नहीं है, उसको एक्चुअली उसके लिए तेरे को ट्रिगर होना चाहिए कि मेरा बाजू वाला बेचारा गरीब है,
कोई उसको खाना नहीं दे रहा है ना उसको कोई काम दे रहा है। उसको मैं जाके बोलूंगा कि ब्रो भूखा मर जा, लेकिन मैं तेरे को, तू बोल रहा है ना तेरे प्रोनाउन से तेरे को आज बुलाऊंगा, तो उसके लिए वो मैटर करता है क्या? तो शी हर बोल या उसको चूतिया बोल, उसको लौड़ा नहीं फर्क पड़ता है, उसके लिए खाना चाहिए। आई डोंट माइंड यू having issues for minority, but भाई majority तो भूखमरी की नींद अंदर मर रही है, और तेरे को अलग ही बकचोदी चल रही है तेरी life में, तेरे को problem है बड़े लोग वाले, वीरो वाले problem है, तो तू कर, I don't give a fuck, ठीक है? तेरे को problem है, तू उनके लिए कर रहा है, very good, वो मत बोल, मेरे लिए अलग problem है यार, मेरी set of problems अलग है, because I feel more about my people, and मेरा लोग जो है ना मेरे slums में bro, उनको problem है कि भाई संडास नहीं है भाई life, उनको problem ये है कि खाना महंगा हो रहा है, उनको लग रहा है भाजी महंगी हो गई है, तो प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जॉब्स नहीं है, उनको प्रॉब्लम ये है कि घर पे ना एक अल्कोहलिक हो गया है पैदा, तो पूरा सैलरी है ना दारू पीने में डाल देता है, दोस आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सोसाइटी राइट नाउ, उनको प्रॉब्लम है डोमेस्टिक वायलेंस से। कुछ लोग होते हैं, सबसे पहले तो हर स्पीच के पीछे है ना ये मोटिवेशनल गाना डालना बंद कर दो, ठीक है? मेरे हिसाब से ये वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही भी नहीं। आई अंडरस्टैंड कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल इंडिया में भूखा है, सही बात, बट क्यों भूखा है? इग्नोरेंस के वजह से, हमारे एंसेस्टर्स ने इग्नोर किया, ये भूखा है, मेरे पास खाने का है, मैं इसको नहीं दूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तू खाए या नहीं खाए, मेरे को फर्क पड़ता है मेरे घर वाले खाते या नहीं खाते, राइट? इसमें इसने बोला कि आई डोंट गिव अ फक, तू शी है, हर है, हिम है, हिज है, यही इग्नोरेंट एटीट्यूड के वजह से कभी भुखमरी आज मेजोरिटी में बढ़ चुका है। आज हम ये इग्नोर करेंगे, कल को ये माइनॉरिटी बड़ा हो जाएगा। आज जिस तरीके से इसने बोला कि बहुत अच्छा मैसेज दिया कि भुखमरी मेजोरिटी प्रॉब्लम है, हमको हेल्प करना चाहिए, ठीक है, एक 10 साल बाद 20 साल बाद भुखमरी मर जाएगी, ये इग्नोरेंट एटीट्यूड के वजह से प्रोनाउन वाला जो ये है वो मेजोरिटी हो जाए, मतलब इसको बेसिकली सिस्टमैटिक ऑप्रेशन बोलते हैं कि मतलब एक पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है एक क्लास को ऑप्रेस करने में, दिस इज हाउ एवरीथिंग स्टार्ट्स, है ना? कोई भी, जैसे हम लोग भी घर पे बात कर रहे थे, कोई भी मतलब ऑल ऑफ अ सडन 10 करोड़ लोग भूखे नहीं सोने लग गए, एक से चालू होता है ना, हाँ, एक से चालू होता है, एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि इट्स केपेबल इनफ ऑफ केयरिंग अबाउट टू थिंग्स एट द सेम टाइम, है ना? मतलब मुझे पैर में चोट लगा है, मुझे उसके बारे में भी केयर है, बट तुम्हारे हाथ में लगा है, मुझे उसके बारे में भी केयर है, मैं ये नहीं बोल सकती मेरे पैर में लगा तेरे हाथ में लगा तो मैं क्या करूँ, तू जाना, गिव अ फक, मैं चल नहीं पा रहा हूँ ब्रो, एक एक सेंस वाला हम लोग बात करते हैं, इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट शॉर्ट में ये क्लियर करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास पैसे है तुम हेल्प करो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा खाना है तुम हेल्प, जिसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उसमें पैसे नहीं लग रहे तुमको, मतलब ये बस तुम चाहते हो कि हमें एक वोक क्राउड से दूर हटके हमें ये सब लोगों को ऐसा मतलब कैंसिल कल्चर के अगेंस्ट हम लोग बोल रहे तो हम लोग एकदम हिप दिखेंगे, बट इट्स नॉट अबाउट बीइंग हिप, मतलब यू आर जस्ट बीइंग इग्नोरेंट। मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि तुम भुखमरी को सपोर्ट करो, मैं भी बोलता हूँ मैं भी भूखा बड़ा हुआ, बट मैं भूखा बड़ा हुआ हूँ, मैं इंसान हूँ, तुमको प्रोनाउन का क्राइसिस है, तुम भी इंसान है, तुमको इग्नोर करके कि मेरे को सपोर्ट करना डजंट मेक यू अ बेटर पर्सन, एग्जैक्टली मेरे हिसाब से दैट्स जस्ट बेसिकली आस्किंग फॉर अटेंशन। सिंस ये एक वीडियो इंटरनेट पे था, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैंने मेरे वॉल पे ये, मेरे फीड पे ये वीडियो आया, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैं अपना अप्रोच करूँ, देखो ही डजंट गिव अ फक, आई ऑल्सो डोंट गिव अ फक कि उसका मेंटालिटी क्या है, मेरे लिए मेरे को चाहिए कि उसका वीडियो देख के अगर 50% क्राउड उसको फॉलो करने वाला है और तुमको इग्नोर करने वाला और मेरे को खाना देने वाला है, तो मेरे को चाहिए कि मेरे से कम 20% लोग इंस्पायर होके ये हो जाए, उनके दिमाग में एक ये बैठे, दोनों भी प्रॉब्लम है, दोनों की भी प्रॉब्लम जिसको है वो दोनों इंसान है, ऐसे तो कल को मेरा बेटा होगा अगर वो बेसिक रिस्पेक्ट मांगेगा और उसको भूख भी लगा रहेगा तो मैं ये बोलूंगा मेजोरिटी भूखे है तेरे को मैं खाना खिलाता हूँ, जब ये प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा तब मैं तेरे को तब मैं बोलूंगा कि भुखमरी माइनॉरिटी है ब्रो, आई डोंट गिव अ फक कितने लोग भूखे है, मेरे बिल्डिंग में सिर्फ 3 लोग भूखे बट कुछ लोग बेसिक रिस्पेक्ट मांग रहे, ये आई एम ट्रिगर्ड, आई थिंक एवरीवन दैट हैज लाइक बेसिक ह्यूमैनिटी उनके अंदर, एवरीवन शुड बी ट्रिगर्ड बिकॉज इट्स अ वेरी बैड थिंग टू से, किसी को रिस्पेक्ट देने से तुम कूल या अनकूल नहीं बन जाते हो, एंड स्पेशली लाइक आई थिंक द गाय हैज अ वेरीफाइड प्रोफाइल, तो मतलब आई थिंक यू शुड, स्पिन डॉक्टर उसको मैं जानता हूँ, मतलब हम लोग ऐसे मिले पार्टीज में, हम लोग ने पिया हुआ है, गाने पे वाइप किया, जो भी है, आई डोंट वेरीफाइड प्रोफाइल, यू शुड बी टॉकिंग शिट लाइक दिस, किसी भी, इट्स वेरी प्रॉब्लम इससे है कि किसी भी दो इशू को कंपेयर मत, तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए किसी को खाना देना बेसिक चीज है, मेरे लिए भी है, अगर कोई और तुमसे बेसिक रिस्पेक्ट मांग रहा है कि भाई दिस इज व्हाट आई आइडेंटिफाई एज, प्लीज कॉल मी दिस, क्योंकि मैं बचपन से इस चीज के बारे में बुली हुआ हूँ, दिस समथिंग दैट इज वेरी डीप रूटेड,
अगर तुम उतना सा नहीं कर सकते तो तुम खाना देकर भी मतलब कुछ बड़े बड़ा काम नहीं, कर, नहीं है तुम्हारा। Exactly. यही बोलना चाहते हैं हम गाइस, मतलब ये वैसा बात हो गया कि तुम्हारे मॉम डैड बोल रहे कि तू मेरे से तू नहीं आप करके बात कर, तो तुम तुम्हारे माँ बाप को बोल रहे कि मम्मी दुनिया में लोग भूखे हैं, मैं उनको जाके खाना दूंगा, तू से काम चला ले, वैसा वाला बात हो गया है ना गाइस। तो अगर तुमको इस पे एक डिटेल्ड ये चाहिए होगा तो हम लोग को बताना है ना, 500 कमेंट्स अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो हम लोग एकदम अर्जेंट में इसको पॉडकास्ट चैनल पे हमारे रिलीज करेंगे। अगर नहीं होता है तो भी मतलब हमारा राइट है, थोड़ा सा हम लोग टाइम लेके ये करेंगे इस चीज पे बात है ना। बट देन अगेन दिस हैज नथिंग पर्सनल टू डू विद, मेरे को नहीं चाहिए कि कोई भी जाके वहां पर हेट फैलाए कोई भी चीज को, मेरे को चाहिए कि तुम लोग मेरा बात समझो और उस तरीके से आगे फंक्शन करो बस। आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ मीडिया ना, कि मतलब हर हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है हर कोई उससे अग्री या डिसअग्री कर सकता है। हम लोग जो बोल रहे हैं हर कोई उससे अग्री या डिसअग्री कर सकता है, यू गाइस आर फ्री टू डू दैट है ना। तो अब मेरे पापा का बर्थडे, Exactly. बहुत ज्यादा सैडनेस है मेरे को, क्योंकि मेरे को अंदाजा ही नहीं था, मैंने पूरा एक फुटेज ही रिकॉर्ड किया था और वो फाइल मेरा फर्स्ट टाइम करप्ट हुआ है। फिर मैंने बहुत भेजा, अजलान को भी भेजा है, उसको भी भेजा है, अपने एक फ्रेंड को भेजा अंकित को उत्तराखंड से, ने मेरे को बोला कि मेमोरी कार्ड का इश्यू है तो मैं ये वाला मेमोरी कार्ड यूज करता हूँ 128 GB का। तो बोला उसने एक सजेशन दिया है वो वाला लेने को, देखता अभी थोड़े टाइम बाद लूंगा मैं। बहुत ट्राई किया बट 34-39 सेकंड्स का ही फुटेज रिकवर हो पाया, वो भी मैं डाल दूंगा, तुम लोग अभी देखो। गाना दुन भाई का बर्थडे है, टाइम 12 बज गया। ये इतना सा, वो भी ऐसा, मतलब बोलते हैं ना खुद ही खुद को नजर लगाना होता है। कल ही बोल रहा था ना कि इतने लकी होते हैं वो लोग जो लोग अपना मोमेंट्स रिकॉर्ड कर पाते हैं। यूजुअली मैं जब भी फुटेजेस रिकॉर्ड करता हूँ उसके बाद मैं चेक करता हूँ कभी कभी कि रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं। उस दिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, बट जो भी है जैसा भी है आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। प्लीज सब लोग अंकल को हैप्पी बर्थडे विश कर दो। हमने जो इस टॉपिक के बारे में बात किया था इससे पहले उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना है ना। लेट्स मेक दिस सोसाइटी अ बेटर प्लेस टुगेदर। मेरे अकेले के सोच से कुछ नहीं होगा, हम सब जब मिलके साथ में सोचेंगे तभी कुछ ना कुछ होगा। बाकी और तो कुछ नहीं, तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट दुआ। तुम्हारा भाई बहुत खुश था ब्लॉग करके, बट खुश होते ही ना खुश भी हो गया, बट अभी वापस खुश है क्योंकि तुम लोग से मिल पा रहा हूँ मैं। व्लॉग लेट जा रहा है उसके लिए एकदम हार्टली अपोलॉजीज, बट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। राइट, टेक केयर, बाय, पीस। यूजुअली हमेशा मैं चेक करता हूँ अपना जब भी मेरे मांझी द माउंटेन मैन हो गया। Hmm.